राजधानी भोपाल के छोला रोड पर बने मैकेनिक मार्केट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से कार्य करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोला रोड पर मैकेनिक मार्केट बने करीब 30 साल का समय गुजर चुका है, मगर अब तक नगर निगम ने उनकी सुध नहीं ली है। मार्केट में पक्की सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में पानी भर रहा है, जिससे वाहनों और राहगीरों को परेशानी हो रही है और काम धंधा ठप होने से रोजगार के साधन भी छिनते जा रहे हैं। लंबित पड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को मैकेनिकल मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम के नेतृत्व में नगर निगम अपर आयुक्त पवन सिंह को ज्ञापन सौंपकर विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। जब से लेकर आज तक ना ही कोई पक्की सड़क बनवाई, तब के पहला अधिकार इनका होता है मैकेनिकों को पक्की सड़क बनवा करके दी जाए 40 फीट की, ना तो वो है। कीचड़ के अंदर आज तक काम कर रहे हैं। एक चीज़, जब बारिश आती है तो उसमें लथपथ हो जाते हैं। दूसरी, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। जब तेज़ बारिश होती है तो उसके अंदर दुकानें डूब जाती हैं, सामान ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी बात, ना उसके अंदर साफ़ सफाई होती है, ना झाड़ू दी जाती है, ना ही नाली है, कोई निकास नहीं है पानी का, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिक आज पीड़ित है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब वहाँ पर गए थे और जा कर के उन्होंने दौरा किया, वो दौरा करके पूरी व्यवस्था देगी तो उनको भी दुख हुआ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जितने भी आए झूठे आश्वासन देकर के चले गए, इसलिए हम जो है ना उनके आज हम इसलिए आए हैं। मैकेनिक मार्केट में जो कमिश्नर साहब गए थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी जो परेशानी है आप हमें लिख करके दीजिए आपके लेटर पेड पे। तो हम सब साथी जो है ना अपने लेटर पेड पे पूरी समस्या जो मैकेनिक मार्केट की है वो लेकर आए हैं। अब उनको दिया गया है, लेकिन हम बहुत पहले से खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी कुछ।